दंतेवाड़ा जिले के थाना कटे कल्याण क्षेत्र के अंतर्गत कैंप तुमक पाल से बस्तर फाइटर और डीआरजी की संयुक्त टीम नक्सल अभियान के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान पुलिस और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जहां सर्च कार्रवाई में पुलिस को दरभा डिवीजन के 3 वर्दीधारी पुलिस माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार नक्सल सामग्री भी बरामद की है। आज 24 दिसंबर 2023 को थाना कटे कल्याण अंतर्गत तुमकपाल से डब्बाकुन्ना की जंगल पहाड़ी जो कि जिला दंतेवाड़ा सुकमा का बॉर्डर है, वहां पर नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना थी, जिस पर से दंतेवाड़ा जिले के डीआरजी बस्तर फाइटर की टीम रवाना की गई और मौके पर उनकी घेराबंदी की गई। नक्सलियों द्वारा फायरिंग करने पर पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दंतेवाड़ा पुलिस को 3 नक्सली वर्दीधारी पुरुष नक्सली का शव बरामद किया गया और भारी मात्रा में गोला बारूद नक्सल सामग्री एवं हथियार बरामद किया गया है। इस समय भी जिला दंतेवाड़ा सुकमा के डीआरजी बस्तर फाइटर की टीम एवं सीआरपीएफ सीएएफ की टीम द्वारा सर्च अभियान शुरू है और आगे की जानकारी तक से दी जाएगी।